आज से कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें कुछ चीजें आती भी हो और कुछ चीजें ना आती हो, ठीक है। तो अगर बेसिक पार्ट पे अगर हम लोग चलेंगे तो हमेशा ये मान के चलिए कि जीरो से पढ़ना है और एक एक चीज को पकड़ना है, ओके। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पे अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर हमेशा जो है एक कंसेप्ट पे काम करता है। वो कंसेप्ट हमारे क्या होते हैं उसको पहले क्लियर करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो हमारा होता है, यूनिसर इतने ही बच्चे हैं कि और भी बच्चे हैं? यूनिसर, ओके। कंप्यूटर यूनुस सर लीव फैकल्टी, कर सर हेलो, और भी हैं लेकिन इस टाइम वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल हमारा कोई अलग से पार्ट नहीं है। कंप्यूटर हमारा कोई बहुत अलग से नहीं है, जैसे हम लोग हैं वैसे ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर में एक जो सबसे मेन कंसेप्ट यूज होता है, इसको नोट भी करिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ साइकिल। ये एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यही तीन चीज होती है और इसको सिर्फ कंप्यूटर से मत रिलेट करिएगा। आप अगर अपनी लाइफ को भी चेक करेंगे तो वहां पे भी आपका आईपीओ साइकिल ही वर्क करता है, ठीक। अगर इनपुट आपका सही होता है, आपकी जो स्टार्टिंग एजुकेशन है वो सही होती है, तो प्रोसेस सही होता है। प्रोसेस सही होता है तो रिजल्ट आपके हमेशा अच्छे होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस तो सर, यस सर, इनपुट, यस सर, इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट को हमको कंप्यूटर के टर्म पे भी समझना है और अपनी लाइफ को लेके भी समझना है, ठीक। अब जैसे इनपुट के लिए हम लोग एक चीज ध्यान से देखें, अगर तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने अपनी जिस सिटी में भी हम रह रहे हैं उस सिटी में हम घूम रहे हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि कुछ जूस वाले ठेला लेके बैठे हुए हैं और हम उनसे जाके कहते हैं कि भैया हमको इस चीज का जूस दे दो। तो वो उनके पास जूस जो जो फल फ्रूट्स होते हैं उसको वो रखे रहते हैं, उनके पास एक मशीन होती है, उस फ्रूट्स को उसमें डालते हैं, फिर वो प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद क्या होता है कि वो जो फ्रूट का जूस होता है वो हमारे एक पॉट में चला आता है और उसको फिर हम लोग पी लेते हैं। ये होता है या देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? जी सर, देखें सर। अब मान लीजिए कि वहां पे हमने कोई ऐसा फ्रूट रख दिया जिसको वो ग्राइंड ही ना कर पाए। मान लीजिए वहां पे नारियल डाल दिया, तो क्या नारियल प्रोसेस होगा? नो सर, प्रोसेस नहीं होगा तो क्या आउटपुट आएगा? नो सर, नहीं आएगा। तो मतलब गड़बड़ी कहाँ पे की हम लोगों ने? इनपुट अगर इनपुट गड़बड़ हो गया तो हमारा प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा और प्रोसेस गड़बड़ हो गया तो आउटपुट गड़बड़ होना है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपको सबसे पहली चीज जो सीखनी होती है वो ये सीखनी होती है कि हम इनपुट क्या करेंगे, राइट। अगर इनपुट का पार्ट हमारा ओके हो गया, हमारे दिमाग में चीजें चलने लग गई, तो फिर हम अगला स्टेप प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस चलने लग गया तो आउटपुट हमारा रिजल्ट में आ जाएगा, ओके। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? यस सर, जी सर, जी सर, चलिए हम थोड़ा सा आज जो है पहला दिन है, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट से थोड़ा किनारे होके चलेंगे ताकि पहले कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए, ठीक है। जी सर, हमारे लिए सर नया सब्जेक्ट है, हमने कभी पढ़ा नहीं है सर ये कंप्यूटर सर, तो अभी और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अभी एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। हम भी जीरो से पढ़ा रहे हैं, ये मान के चल रहे कि आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो पे बैठे हैं, राइट। चलिए, ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। अब देखिए, अब हम छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दे के कुछ चीजें प्रूव करेंगे, अभी आप लोगों को खुद समझ आने लग जाएगा। अब मान लीजिए कि हमसे कहा गया कि दो नंबर का आपको सम करना है, सम ऑफ टू नंबर। मैथ्स तो सभी लोगों ने पढ़ी होगी ना, तो सम ऑफ टू नंबर का मतलब क्या हुआ कि दो नंबर हमको लेना है
और दो नंबर को लेके उसका सम कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मान लीजिए a इक्वल टू 10 लिया, b इक्वल टू 20 लिया, c इक्वल टू a प्लस b किया और यहाँ पे क्या कर दिया प्रिंट c। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, तो c की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 30 30 हो जाएगी, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 30 तो देखिए हो जाएगा। ये जो पार्ट हमारा है ये पार्ट क्या कहलाएगा इनपुट, ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा प्रोसेस, और ये पार्ट क्या कहलाएगा आउटपुट। ठीक, अगर हमारी यहाँ पे कोई गड़बड़ी हो जाती, मान लीजिए 10 की जगह पे हम अपना नाम लिख देते तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता, प्रॉब्लम होती कि नहीं होती ना सर। तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब प्रोसेस नहीं हुआ, प्रोसेस नहीं हुआ तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। अब एक एग्जांपल और ले रहे हैं, हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे इसको, इसलिए इसको समझते जरूर चलिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए भाई, पी इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। ठीक, तो एस इक्वल्स टू पी इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय 100, यही होता है ना, गलत तो नहीं लिख रहे? नो सर। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको वैल्यू कौन कौन सी चाहिए होती है? प्रिंसिपल रेट टाइम। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इनपुट पी, इनपुट आर और इनपुट टी, तीन वैल्यूज हमारी इनपुट हुई। अब अगला फॉर्मूला लिखा हमने, क्या लिखा, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और यहाँ पे प्रिंट क्या करा दिया, एस। तो ये हमारा पोर्शन हुआ जिसको हम लोग इनपुट बोलेंगे, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आउटपुट। अब कितने लोगों को ये पार्ट आईपीयू का समझ आ गया? क्लियर सर, क्लियर क्लियर सर, बिल्कुल ठीक। चलिए, तो अगर अब कंप्यूटर को लेके कोई बात आपसे कहेगा तो आपको यही तीन चीज समझानी है कि पहला इनपुट सही होना चाहिए, अगर इनपुट सही है तो प्रोसेस सही होगा, प्रोसेस सही होगा तो आउटपुट सही आएगा, राइट। अब yes. कि इनपुट हम लोग करते क्या है, किस चीज को इनपुट करते हैं? तो इनपुट हम लोग कहते हैं डेटा, क्या करते हैं डेटा को हम लोग इनपुट करते हैं। डेटा क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। नोट करते चलिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सब। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारी क्लास में कोई एक स्टूडेंट है, मान लीजिए शाकिर है, ठीक, शाकिर मान लीजिए है, तो हमने लिखा एस एच ए के आई आर। तो ये एस एक डेटा हुआ, एच एक डेटा हुआ, ए एक डेटा हुआ, ये सब और एक डेटा है, रॉ फैक्ट्स है, ठीक। लेकिन जब हमने इसको मिलाया, हमने क्या किया इसको मिलाया, अब ये क्या बना, शाकिर। अब आपको शाकिर जैसे लिखा हुआ दिखा, अब आपको समझ आया कि शाकिर की ये मीनिंग होगी या शाकिर का मतलब ये होता है, ठीक। लेकिन अगर ये चीज ऐसे लिखी होती तो आप क्या समझते, कुछ समझ आता आपको? नो सर। राइट, यस सर, नो
यस सर। हुआ क्या, डेटा को हमने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद कन्वर्जन किस सर, तो सर हाँ सर मैंने आज ज्वाइन किया, इस क्लास का कुछ पता ही नहीं चलता है कब होती है क्या, कुछ टाइमिंग ही आज नहीं ही हुआ है, आज ही से शुरू हुआ है। किसका सर, मैं तो नहीं, मैं खोर क्लास तो ले रहा हूँ। नहीं, कंप्यूटर की क्लास आज से ही शुरू हुई है और अभी 10 मिनट पहले से शुरू हुई है। अच्छा अच्छा, आज ही से शुरू हुई है। आज ही से शुरू हुई है, 10 मिनट हुआ है, 10-15 मिनट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और ग्रुप में अपडेट वो प्री रिकॉर्डेड है जी, कोई कुछ बोल रहा है? कंटिन्यू सर। तो जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसको हम लोग डेटा बोलते हैं, और जब डेटा हमारा प्रोसेस होता है तो वो इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिखाया कि हम एस को दे रहे हैं, एच को दे रहे हैं, ए के आई आर दिया हमने, तो एस एच ए के आई आर एक डेटा है, लेकिन जैसे हमने इस डेटा को प्रोसेस किया तो प्रोसेस करते ही ये क्या बन गया, शाकिर बन गया, राइट? तो ये अब एक इंफॉर्मेशन होगी। ठीक, तो सबसे पहले जो समझिएगा कि जो इनपुट करेंगे वो हमेशा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स करेंगे, दैट मींस की डेटा करेंगे, फिर जब उस डेटा को प्रोसेस करेंगे तो वो हमारा इंफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ये साइकिल याद रखनी है। और इंफॉर्मेशन को अगर प्रोसेस करते हैं तब क्या बनेगा, कोई बच्चा बताएगा, कोई बताए? आउटपुट। आउटपुट नहीं 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 नहीं, वो आईपीओ साइकिल अलग निकल गई, खत्म हो गया वो। कैची इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो ये बनता है नॉलेज। नॉलेज, ठीक है, और नॉलेज को प्रोसेस करते हैं तो क्या बनता है, इंटेलेक्चुअल। ये वर्ड आप लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं, आप बोलते हैं ना कि अरे वो बहुत नॉलेजेबल है, उसको नॉलेज बहुत अच्छी है, ऐसा आप लोग आपस से बात करते हैं, वो बहुत इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल का मतलब नॉलेज के आगे का पार्ट, वो इंटेलेक्चुअल है। तो कंप्यूटर को हम लोग हमेशा इंटेलेक्चुअल बोलते हैं कि नहीं बोलते? yes, कंप्यूटर जो है एक इंटेलेक्चुअल मशीन है। ठीक, अब आप सोचिए कि नॉलेज क्या हुआ, किस चीज को नॉलेज बोलेंगे? अगर आपको अपने पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में नॉलेज, मतलब जानकारी अच्छी रखते हैं तो आप नॉलेजेबल हो जाते हैं। अब आप अपना 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल उठाइए, और जब आप अपने मोबाइल पे कुछ डेटा पुट कर रहे होते हैं कीबोर्ड के थ्रू, तो आप देखते होंगे कि मोबाइल में कुछ सजेशन आ जाते हैं अपने आप। अब आते कि नहीं आते? ठीक, और सजेशंस वो आते हैं जो आप ज्यादातर अपने मोबाइल में यूज कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप कश्मीर लिख रहे हैं, आपने 3 बार 4 बार अगर कश्मीर लिख लिया, तो जैसे आपके ए प्रेस करेंगे कश्मीर लिखा हुआ दिख जाता है। आता है कि नहीं आता है? कितने लोगों ने इस चीज को देखा है? यस सर, आता है ऐसे। तो मतलब आपकी जो मशीन है, जो आपका मोबाइल है, वो अब क्या हो चुकी है, नॉलेजेबल हो चुकी है। उसको नॉलेज हो चुकी है कि हमारा जो ओनर है, अगर वो के ए एस एस प्रेस करेगा तो कश्मीर भी हमको देना है, मतलब कश्मीर की इंफॉर्मेशन भी देनी है, राइट? ठीक, इसी पार्ट को कंप्यूटर में टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, कोई बताए? इसको कंप्यूटर में बोलते हैं मशीन लर्निंग। सुना है सर? इनको बोलो म्यूट, म्यूट रखें। आप लोग म्यूट हो गए, सभी लोग अपने से म्यूट हो जाओ जिम्मेदारी से, ताकि पढ़ाने में मजा आए फिर। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे, अब आप देखिए कि हम लोग मशीन लर्निंग
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं धीरे धीरे। तो मशीन लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी मशीन जो आपसे सीख रही है। तो आपके पास उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, मोबाइल। मोबाइल आपसे सीख रही है कि नहीं सीख रही है, सोचिए बताइए। और अमेजोन पे अगर आप जाते हैं डेटा को सर्च करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके पास रिलेटेड डॉक्यूमेंट और सजेशंस आ रहे होते हैं। तो वो सारा पार्ट मशीन लर्निंग में ऐड होता है। और मशीन लर्निंग निकल के कहां से आती है, इस जगह से आती है। ओके, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां पे कंप्यूटर में यूज होता है, जो हमारा ऊपर वाले ने जो हमको दिमाग दिया है वैसे ही एक दिमाग हम मशीन को प्रोवाइड कर दें। अगर मशीन को प्रोवाइड कर देंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करने लगेगा। मतलब हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो ये नॉलेज है, अगर उस नॉलेज को मशीन के अंदर डाल दें, इनपुट करा दें, प्रोसेस करा दें, तो वो मशीन हमारी तरह सोचना शुरू कर देगी, हमारी तरह काम करना शुरू कर देगी। राइट, चैट में डालिए यस नो। ओके सर। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि मशीन खुद से सीख रही है, एक छोटा सा बच्चा खुद से सीख रहा है, और एक जगह पे उस छोटे से बच्चे के अंदर हमने अपना पूरा पूरा दिमाग डाल दिया। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों समझ में आ गए होंगे शायद। ठीक, जैसे हम लोग के घर में जो छोटा बच्चा होता है वो खुद से सीखता है, सेल्फ लर्निंग अप्रोच में काम करता है। आप जैसे बात करेंगे, आप जैसे बोलेंगे, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जैसे बोलेंगे, उनका सुन सुन के वो सीखता है और फिर वैसे ही बोलता है। ऐसे ही मशीन लर्निंग में आपकी मशीन कुछ और सीखेगी आपसे, हमारी मशीन हमसे कुछ और सीखेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड की जगह पे हम आर्टिफिशियल माइंड को सेटअप कर देते हैं उस मशीन के अंदर, और तब वो काम करना शुरू कर देती है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा क्या है, रोबोट्स। ठीक है, रोबोट्स हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। यहां तक अगर समझ सबको आ गया हो तो फिर हम लोग आगे चले। किसी कोई क्वेरी हो तो चैट विंडो में डालिए, अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो चैट में डालिए, नहीं तो प्रोसीड करें। ठीक है, अब हम लोग कंप्यूटर में कुछ चीजों को कनेक्ट करते हैं आज। क्या कनेक्ट करने वाले हैं, तो देखिए कंप्यूटर को अगर आप देखे होंगे तो कंप्यूटर में हमारी चार पांच कंपोनेंट ऐसा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिपीट। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है, दो चीजों को समझिए, कि आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है और वो आपको देख के आपसे सीख रहा है, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। और अगर उस बच्चे के दिमाग में हम लोग आर्टिफिशियल माइंड को सेटअप कर दें तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे रोबोट, रोबोट हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, क्योंकि वो एक मशीन है, वो एक लोहे का डिब्बा है, उसमें हम अपनी चीजों को जब डाल देते हैं तो रोबोट हमारी और आपकी तरह सोचना शुरू कर देता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों ने रोबोट मूवी देखी होगी तो रोबोट मूवी में आपको ये चीजें दिखी होगी। कितने लोगों ने रोबोट मूवी देखी है? यस सर, देखिए। यस सर, देखिए। ठीक, तो अगर आप, अगर वो मूवी आपको याद होगी तो मूवी में आपने देखा होगा कि वो कुछ दिन के बाद सोचना शुरू कर दिया था, है ना। सोचना शुरू करने के बाद वो सारा काम वैसे ही कर रहा था जैसे हम और आप करते हैं,
दिया था नहीं दिया था उसमें? यस सर। अब आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो, मैं आपको नॉलेज आपकी बढ़ा रहा हूँ। आने वाली तारीख में, हालांकि हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जहां पे रोबोट्स अब ऑपरेशन करते हैं, बाहर की कंट्रीज में तो है ही, यहाँ पे भी धीरे धीरे रोबोट्स ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। मेडिकल कॉलेजेस में, पीजीआई में अब रोबोट्स ऑपरेशन करते हैं, ये कितने लोग जानते हैं? आने वाली तारीख में आपके घर में रोबोट्स होंगे, आपको बेड की जरूरत नहीं है, आपके घर में रोबोट्स होंगे, आप सो रहे हैं, आपको गरम गरम चाय बना के लाके पिलाएगा, वो जल्दी ही खाना बना के देगा आपको। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो डोमेस्टिक रोबोट अब परफॉर्म करेंगे। ऐसे इंडस्ट्रियल रोबोट होते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, कोरिया में, जापान में 30-40% जो लेबर है वो आपकी रोबोट है। आप लोगों ने हुंडई कंपनी का नाम सुना होगा, हुंडई और सैमसंग, हुंडई आपकी कार बनाती है, उस कंपनी में 30-40% जो लेबर है वो आपकी रोबोट है, सारा काम मशीन कर रही है, कंप्यूटर कर रहा है। ओके, ऐसे ही दिल्ली में एक लाइन की ट्रेन है जो विदाउट ड्राइवर चलती है, ड्राइवर उसमें होता ही नहीं है। किसी को याद है कौन सी लाइन है वो? कोई गया हो देखा हो? नहीं मालूम? तो वो ट्रेन विदाउट ड्राइवर चलती है, ड्राइवर होता ही नहीं है। अब येलो या पिंक कुछ भी लाइन है, लेकिन मुझे याद नहीं है, खुद भी मुझे नहीं याद है, लेकिन एक लाइन ऐसी है जो विदाउट ड्राइवर चलती है। चलिए, तो आने वाली तारीख में ये अपडेशन है जिसके साथ आपको चलना है। वो लाइन यही सर, रोबोट वहां पे कराते हैं दिल्ली में। मीन्स वो कौन सी लाइन होगी सर, रेड या येलो या पिंक लाइन? लेकिन वो रोबोट से कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, रोबोट से कंट्रोल करते हैं वो। तो ये सारी चीजें अब आने वाली लाइफ में है, हम लोग के आगे आएगी, हम लोग के आगे लिए आएगी, हम लोग के बच्चों के आगे आएगी। ठीक है, चलिए आगे चले, हम लोग आगे चले, कोई डाउट तो नहीं? नो सर, क्लियर। नो सर, क्लियर। ओके, आप लोग म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, तुम आगे चीजें समझाए फटाफट। चलिए, अब हम लोग जरा कंपोनेंट्स देखते हैं कि कंपोनेंट्स कंप्यूटर में क्या होते हैं। अगर बेसिक कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो हम लोग के पास कुछ इनपुट डिवाइसेज होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। ठीक, डिवाइसेज को डिस्कशन बाद में और आगे करेंगे। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर में हमारा जो बेसिक पार्ट होता है वो एक होता है रैम, एक होता है रोम, ठीक, एक होता है सीपीयू। रैम होती है, रोम होता है, सीपीयू होती है। रैम और रोम जो होता है वो मेमोरी यूनिट का पार्ट होता है, मेमोरी यूनिट का पार्ट होता है। तो इसको हम लोग इसी कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं, ए और बी। सीपीयू एक अलग पार्ट हुआ, इसको अलग डिफाइन कर लेंगे। एएलयू एक होता है और एक मेमोरी यूनिट, एमयू हो गया, सीपीयू हो गया, एएलयू हो गया। ठीक है, मेमोरी यूनिट हुआ, कंट्रोल यूनिट। हाँ, अभी आ रहे हैं उसमें, अभी हम कुछ बेसिक चीजों को लेके चल रहे हैं, उसके बाद उसमें आएंगे। ठीक, मेमोरी यूनिट में दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं उसको, रैम, रोम, और उसके अलावा भी कई पार्ट है, लेकिन अभी इनिशियली आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रैम और रोम पे थोड़ा सा करने वाले हैं। मीटिंग ओवर हो जाएगी तो आप लोग वापस इसी लिंक पे आएंगे, और नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सीयू। सीयू
अब आप अपने आप को देखिए और इससे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सीपीयू कितने लोगों ने देखा है? सीपीयू कितने लोगों ने देखा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताइए भाई। सीपीयू जो है एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, 1/1 या 2/2 इंच का होता है, उसको सीपीयू बोलते हैं, ठीक। बेसिकली सीपीयू हमारे दिमाग की तरह काम करती है, जैसे हमारा दिमाग होता है वैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, ठीक। जैसे हम लोग के अंदर एक नेचुरल कैलकुलेशन की पावर होती है कि जब हम लोग नेचुरल कैलकुलेशन कर लेते हैं और लॉजिक्स अप्लाई कर लेते हैं कि ये गलत है और ये सही है, ये ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए, वो डिसीजन कौन लेता है? एएलयू लेता है। तो एएलयू का मतलब क्या हो गया? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये होता क्या है बेसिकली, कोई बताए अगर थोड़ा सा पढ़ाया तो? अर्थमेटिक एंड सबट्रैक्शन में लगता है, यस सर, एडिशन सबट्रैक्शन में लगता है, सबट्रैक्शन में लगता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सर रिपीट सर, जो कैलकुलेशन होती है उसको ये हमें आउटपुट देता है लास्ट पर, कैलकुलेशन जो कन्वर्ट करता है सर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लगता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है और बाइनरी में करने के बाद ये हमको रिजल्ट हमारे हिसाब से दे देता है, ठीक है। तो जो अर्थमेटिकल पार्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाइनरी में। बाइनरी और बाइनरी के बाद हमारे लॉजिकल यूनिट्स कुछ होते हैं, जैसे एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है, ठीक। एंड कहाँ यूज करते हैं? जहां पे हमको दो या दो से अधिक कंडीशंस देनी होती है और दोनों कंडीशन को ट्रू कराना होता है, जहां पे हमको दोनों कंडीशन, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस देनी होती है, दोनों कंडीशंस को ट्रू कराना होता है, ऐसी जगहों पे हम क्या यूज करते हैं? एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि हम 10th में पढ़ रहे हैं और हमसे कहा गया कि तुम्हारे मैथ्स और फिजिक्स में अगर 90 से ऊपर आएंगे तब तुमको 11th में पीसीए मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ कंडीशन क्या हो गई कि हमारे मैथ्स और फिजिक्स दोनों में 90 से ऊपर मार्क्स चाहिए। तो ऐसी जगह पे हम क्या लगा रहे होते हैं? एंड ऑपरेटर लगा रहे होते हैं, ठीक। और कंडीशन का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा कंडीशन जहां पे कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी या दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। और तीसरा पार्ट होता है नॉट। तो नॉट में क्या होता है कि अगर हम कोई कंडीशन पे काम कर रहे होते हैं तो उसका जो रिवर्स पार्ट होता है वो हमारा नॉट होता है। तो क्या ये तीनों पिक्चर क्लियर है या एग्जांपल समझाएं, क्योंकि इसमें ट्रू टेबल भी होती है। सर थ्री रिपीट सर, एग्जांपल दीजिए क्या करें? रिपीट कर दें सर, एग्जांपल किसको बोला समझाइए सर, रिपीट करो सर। चलिए तो हम एंड को ट्रू टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये ए है, ये बी है और ये आउट है। ए और बी का मतलब, ए और बी का मतलब कि ए की वैल्यू इनपुट होगी और बी का मतलब बी की वैल्यू इनपुट होगी, मतलब दो इनपुट होगा और दो इनपुट होने के बाद हम लोग रिजल्ट कैसे लाएंगे। तो देखो कंप्यूटर में जीरो का मतलब क्या होता है? ऑफ। और वन का मतलब ऑन। ऐसा कोई एग्जांपल आपने अपने घर में देखा है? स्विच का, स्विच जो होती है वो जीरो वन पे चलती है, वन मींस ऑन, जीरो मींस ऑफ। अब देखिए हमने ये लिया जीरो जीरो, नोट कर लीजिएगा, वन और वन, जीरो जीरो वन वन, और यहां पे हमने लिया
जीरो वन वन जीरो वन जीरो और वन. देखिए अब अगर ये जीरो है और ये जीरो है मतलब दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट हमारा हमेशा क्या आने वाला है फॉल्स. अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो भी क्या आएगा जीरो फॉल्स. और अगर दोनों ट्रू हो गई तो हमारा क्या हो गया ट्रू. मतलब हमारे घर में लाइट आ रही है और हमारे रूम में बल्ब है तो अगर लाइट आ रही है और बल्ब है तो फिर हमारे कमरे में लाइट जलेगी है ना. तो मतलब दोनों कंडीशन हमारी क्या हो गई ट्रू हो गई. अगर दोनों ट्रू हुई तो रिजल्ट हमारा क्या हुआ ट्रू हो गया. ओके ऐसे ही और में भी ले लीजिए. ये हो गया ए ये हो गया बी और ये हो गया आउट. जीरो जीरो वन वन जीरो वन इसको भी जीरो ही कर लेते हैं. जीरो वन जीरो एंड वन. अब और है और में क्या होगा कि अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तब तो रिजल्ट हमारा हमेशा फॉल्स आएगा अदरवाइज सारे कंडीशन में ट्रू दे देगा. ठीक और का मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू अदरवाइज जो है फॉल्स. ये हो गया एंड और ये हो गया और. लास्ट ऑप्शन नॉट. नॉट का मतलब ये एक्स है और ये एक्स पे बार है मतलब अगर ये जीरो है तो ये वन होगा ये वन है तो ये जीरो होगा. ठीक तो नॉट आपका आप लोगों के घर में अगर इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर बिल्कुल यही काम करता है. लाइट नहीं आ रही है तो इन्वर्टर ऑन हो जाएगा. ठीक लाइट आ रही है तो इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा. तो नॉट को हम लोग इन्वर्ट भी बोलते हैं. ये नोट कर लीजिएगा नॉट को हम लोग इन्वर्ट भी बोलते हैं. ठीक है नोट कर लीजिए. एक्सक्यूज मी सर सर हम इस ऑपरेशन यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन रिपीट कीजिए अपना. हेलो सर. हाँ सर इसमें हम ऑपरेशन अगर यूज करना चाहे तो कैसे करते हैं. अब उसके लिए आप प्लस माइनस है मल्टीप्लाई किसमें नॉट पे बोल रहे हैं आप. सर दोनों में सर हम ऑपरेशन अगर यूज करना चाहे तो कैसे करें. देखिए इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं. एक तो प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं और दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं. और इन दोनों को यूज करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी या डीई पढ़ना पड़ेगा. हम यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दे सकते हैं एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. एग्जाम्पल आप देख लीजिए आपको खुद समझ में आ जाएगा. जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 20. हमने यहाँ पे कंडीशन दी कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एक वैल्यू और सी इक्वल्स टू 30. हमने दिया इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी तो प्रिंट करो. क्या प्रिंट करो सी इज लार्जेस्ट सॉरी ए इज लार्जेस्ट. अब आप पहले बताइए कि ये सही है कि गलत है. तो हम बता रहे हैं आप गलत सर गलत. ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब क्या ए